वेलकम बैक व्यूअर्स मैं पासुशार खान प्रोग्राम बेदारी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज ये स्पेशल दिन है जब यीशु मसीह के ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम को याद कर रहे हैं और मुख्तलिफ लीसियाओं में आज इबादत हो रही हैं आखिरी फसा की याद में भी हम पाक मेज़ का अहमाम है करते हैं फैमिलीज गेट टुगेदर करते हैं और हम याद करते हैं कि यसुमसी सिलीप पर कुरबान होने से पहले किस तरह अपने शगिर्दों के साथ आखिरी वक्त गुजारते हैं बस अब हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगु कर रहे थे इशाय रुबानी के हवाले से आखिरी फसा के वाले से जब खुदा यूसुम सिर्दों के साथ फसा खा चुके उसके बाद वो गदसमनी बाग में जी के तो गदसमनी बाग के जो वाकत हैं उनका अहाता आप जरूर हमारे देखने वालों के साथ कीजिए जी जरूर मैं फिर चाहूंगा कि छोटा सा हवाला पढ़ लिया जाए लुका की तंजील है उसका बाईसवास उसकी उनतासवी आयत है फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुहाफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिद उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुँच कर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिपका आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि अब आप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो और आसमान से फरिश्ता उसको दिखाई दिया वो उसे तकवीर देता था फिर वो सख्त परेशानी में मुफ्तना होकर और भी सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे होकर जमीन पर टपकता था जब दुआ से उठ कर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो उठ कर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो यहां पर हमें पता चलता है कि यसू मसीह की जिंदगी ज़मीनी ज़िंदगी की खिदमत को देखे तो शुरू में भी यसु मसीह ने दुआ की है और यहाँ पर भी बाग़ गत में या जैतून के पहाड़ पर वो दुआ करने अपनी रूटीन के मुताबिक वो दुआ कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक तो वो शागिदों को ताकीद करते हैं कि दुआ करो ताकि आजमाइश आजमाइना पढ़ो उसके अलावा जब यसु मसीह खुद दुआ करें तो उन्होंने कहा अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे तल जाए तो भी मेरी मर्ज़ी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि अब आप तेरी मर्जी पूरी हो हमने शुरू में जिक्र किया था कि यसुम सी कामिल खुदा कामिल इंसान है तो जब वो कुर्बानी देने के लिए आए फिदिया के लिए आए तो वो कामिल इंसान बनकर आए तो उन्हें दर्द भी होता था वो सब चीज़ों को देख रहे थे कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है कैसे उन्हें मस्तूब किया जाएगा कितना उन्हें मारा कूटा जाएगा उन्हें सली पलटका दिया जाएगा तो वो मैं समझता तो, हूँ उस वक्त वो अपने आप को खुदा के ताबे कर रहे हैं खुदा से कह रहे खुदा तेरी मर्जी पूरी हो और जब हम देखते हैं तो यसु उसी पहले से तैयार थे ये नहीं कि यसु कुर्बान नहीं होना चाहते थे या यसुसी बचने के लिए दुआ कर रहे थे ऐसा नहीं है यसुम उसी कूवत मांग रहे थे और दुआ कर रहे थे ताकि वो सलीब पर कुर्बान हो जो कुर्बानी की असल जगह है क्योंकि यसु उसी की खिदत में पहले भी लोगों ने यसु उसी को पहाड़ी से गिरा कर मारना चाह लेकिन वह वक्त वह जगह नहीं थी जहाँ यसुम उसी कुरबान होते और ना ही बागेगत समनी था क्योंकि यसु उसी जानते थे कि सलीब पर उन्हें कुर्बान होना है और इसलिए उन सारी हालात को देखते हुए यसुम सी उस वक्त कमज़ोर महसूस कर रहे थे उस वक्त अपने आप को वो खुदा उनके जो कहते हैं खुदा तू मुझे क़ुत है मेरी मदद कर और ऐसे आगे हमने पढ़ा कि एक फरिश्ता आकर उन्हें तकवीत देता है तो मैं समझता हूँ कि मसीह जानते थे वो पहले से अपने जहन में दिल में फातह हो चुके थे सब चीज़ों पर क्योंकि उन्हें पता था कि वह आए इसीलिए यह नहीं कि वो खुदा न खासतर डर रहे थे बल्कि वह अपने आप को खुदा के ताबे कर रहे थे कि खुदा अब आप तेरी मर्जी पूरी हो मेरी नहीं तो हमारी भी एग्जाम्पल है कि और हम खुदा के बारे में ये भी देखते हैं शगिरदों को कहा कि ओ हम यरूशलम चलें ताकि इबन आदम गुनागारों के हवाले किया जाए तो मीन तो वो तो खुद तैयार थे वो खुद ये आए ही इसलिए मकसद से थे क्योंकि बड़े हमेशा येम में आते और बरों को लाया जाता ताकि वो वहां पर जी कुर्बान और खुदा का बेबर्रा जो जबा किया हुआ बर्रा जो आज भी खड़ा है जी जो आज भी जिंदा है ये सो की दुआया जिंदगी के बारे में भी हम देखते हैं बाइबल मुकदस में कि वो हर खास मौके पर बल्कि हसब दस्तूर वो दुआ करते थे और कई दफ़ा हम जब दुआ करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारी मर्जी है वो पूरी हो हम खुदा को एक लिस्ट बताते हैं खुदा हम ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते कि खुदा की मर्ज़ी क्या है तो ये कितना जरूरी है कि हम अपनी ख्वाहिशात को या अपनी ज़रूरतों को खुदावंत के सामने बयान करें लेकिन खुदा की मर्जी के लिए तैयार हूँ इस पर भी आप रोशनी डालिएगा बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर हम देखें तो शागिद जब यसूसी के साथ थे तो वो देखते थे कि यसूसी कितनी दुआ करते हर रोज़ पता चलता है वो पूरी रात दुआ में गुजार देते थे और यसु मसीह जब दुआ करके आते तो किस तरह मौजात होते थे यसु मसीह सिर्फ कहते थे और हो जाता था इन्हीं बातों से मुतासर होकर शागिर्द ने कहा ए खुदावन हमें दुआ करना सिखाएं वो जानते थे कि दुआ में कितनी ताकत है फिर यसु मसीह उन्हें दुआ करना सिखाते हैं कि ए जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करो ऐह हमारे बाप तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक मुंझा है तेरी बादशाह है तेरी मसीह जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो तो खुदा उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे हमने बाप से दुआ करनी है उसकी मर्ज़ी को मांगना है और जैसे आसमान पर है वो ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी में हमारे ख़ानदानों हमारे इकली में उसकी मर्ज़ी पूरी हो हम गो के बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशत करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि एट दी एंड यसूसी ने हमें यह सिखाया है कि हमने अपनी मर्ज़ी नहीं जानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है क्योंकि वो हमारे लिए बेहतरीन जानता है वो जानता है कि हम कैसे क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है फैस खुदा ने यूसु मसीह के जो रसूल थे शागिर्द थे आ, हर तरह के हालात में उन्होंने यूसुम मसीह के साथ वक्त गुजारा लेकिन आखिरी वक्त में जब यसु मसीह उनको खास ये नसीहत करते हैं कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पढ़ो लेकिन नींद का गलबा सो जाते हैं तो क्या समझते हैं कि मसीह के साथ ये रवैया आज भी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में पाया जाता है बिल्कुल आप सही कह रहे बहुत दफ़ा देखा गया है कि बहुत आप बड़े बड़े प्रोग्राम देख लें सेमिनार्स देख लें हैं देख लें लोग आपको बड़े बड़े हजूम में लेंगे लेकिन जब हम दुआ के लिए बुलाते हैं चर्चज में तो आपको तादाद से अंदाज़ा हो जाता है कि लोग कितने पीछे हैं लोग असल में दुआ की कदर और अहमियत को जानते नहीं कि दुआ कितनी ज़रूरी है जब यसु मसीदनी दुआ करते थे और वो हमारे लिए एक नमूना था कि हमें भी दुआ में आगे बढ़ना है दुआ में खुदा को वक्त देना है जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं और जब हम खुदा की शुगुजारी करते हैं खुदा उनके बड़े कामों का बयान करते हैं तो आज कलिसियाओं में और दूसरे सारे प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन दुआया प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं वैसे मैं समझता हूँ शागिद उस वक्त जो थे वो इसलिए बार बार कला में लिखा है कि जिसम कमज़ोर है लेकिन रू मुस्ते वो बार बार लिखा के बड़े परेशान थे वो कि अब ये क्या हो रहा है उन्होंने सोचा था कि यसुम तो डोमी हुकूमत का तख्ता पलट देगा जहाँ पर लिखा वो गमगी गमगी थे गमगीनी की हालत में वो सो गए थे कि अब ये क्या हो रहा है यसुम उसी ने तो रोमी हुकूमत का तख्ता पलटना था यसुमसी को अभी पकड़ लेंगे या यसुम मसी ने जो बताया बहुत सारी बातें उनके जहन में होंगी कि हम तो चाहते थे कि यसुमसी के दाएँ और भाएँ बैठेंगे ये क्या हो गया तो इसलिए वो उसके साथ जाग नहीं सके यसुम सिह इस कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश पर ना पढ़ो आज मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी कलिसियाएँ बहुत सारे लीडर्स इसलिए आजमाइश में है क्योंकि वो दुआ नहीं करते और अगर एक पुराने अदमे का वाक्य देखें तो जब यशवा लड़ रहा था तो ऊपर कालेब और मूसा जब दुआ करता था खुदा का बंदा तो जैसे उसके हाथ दुआ से नीचे होते थे तो वह हारते थे और जैसे ही दुआ में हाथ बुलंद होते थे वो फाते होते थे तो इसका मतलब है दुआ बहुत ज़्यादा अहम है और दुआ समझे मसीह लोगों की ज़िंदगी का सांस है और सांस के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता थैंक यू सो मच भाई साहब uh, खुदा आपको बरकत दे और वंस अगेन थैंक यू कि आपने आज के इस खसूसी दिन के हवाले से खुदा के कलाम से हमारी रहनुमाई की अजीत भाई और बहनों ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी से खुदा की मर्जी को पूरा करें हमारे प्लान फेल हो सकते हैं खुदा के मनसूबे हमेशा कामयाब होते हैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हमारे बदनों से खुदा की मर्ज़ी पूरी हो आइए हम दुआ के लिए अपने सरोग को झुकाएँ और दुआ मांगें ये सुनसी में हमारे बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए और तेरे खादम के लिए जिन्होंने तेरे कलाम की खूबसूरत बातों की तशरी और तफसीर हमारे सामने पेश की हम शुक्रगुज़ार हैं अपने बंदा को और बरकत दे होशना टी वी की सारी टीम को बरकत दे जो लोग हमें दुआ में मदद करते हैं या किसी भी तौर से हमारे मददगार हैं हमारे सपोर्टर्स हैं हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं हमारी दुआ है उन सबको बरकत दे और बिलसूस जो हमें देख रहे हैं खुदा में तेरी सलामती हर एक ज़िंदगी पर कायम हो आज के इस खास दिन में हम बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर कर सकें कि जिस तौर से तेरे बेटे यूसु मसी ने अपना बदन और खून हमारे लिए दिया है हम उसकी कदर को समझते हुए उसके लायक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें हमारी मदद कर और तमाम देखने वालों को बरकत दे येसुम मसीह के नाम से आमीन इसके साथ ही अपने मेज़बान पास विशा खान को इजाजत दीजिएगा खुदा आप सबको बरकत दे कीप वॉचिंगशाना टी